क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है? ओके, आइए वचन में हम जाएंगे, कई बार साथ निकाले जल्दी से, और उसका हिब्रू के पुस्तक को हम निकालेंगे, और उसका 11वां अध्याय, हिब्रू के पुस्तक, इब्रानी के पुस्तक 11वां अध्याय, और हम उसको निकालेंगे, 7 वचन को पढ़ेंगे, 7 वचन को पढ़ेंगे, हिब्रू के पुस्तक 11 अध्याय और इसका 7 वचन को हम पढ़ेंगे। कहता है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, बोलो दिखाई नहीं पड़ती थी, बोलो दिखाई नहीं पड़ती थी, हालेलुया। कहता है दिखाई नहीं पड़ती थी, उसके लिए उसने कितना बड़ा परिश्रम किया, हालेलुया, क्योंकि नूह समथिंग कुछ चीजें देखना चाहता था, आमेन। परमेश्वर उसको समथिंग कुछ बड़ा कुछ दिखाना चाहता था, और इस कारण से नूह उन बातों में लग गया, कुछ बड़ी चीजों को वो बनाने की तैयारी में लग गया, हालेलुया। कहता है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीजें जिस बातों के लिए आप प्रार्थना करें आपको नहीं दिखाई दे रही है, पर वो रास्ते में है, हालेलुया। समथिंग कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, समथिंग कुछ अद्भुत आने वाली है, हालेलुया। भले अभी नहीं दिखाई दे रहा, पर दिखाई देगा, वो चीजें रास्ते में है, हालेलुया। वो बातें आपके जीवन में बातें पूरी होगी, वो हर एक भविष्यवाणियां जो आपके लिए की गई है, भले अभी नहीं दिखाई दे है, पर खुदा की बातें आपके लिए तैयारी कर रहा है, वो बातें प्रिपेयर हो रहा है, और वो दिखाई देगी। एक दूसरे को देख के बोलो, वो दिखाई देगी, बहुत जल्दी आप देखने वाले हो, बहुत जल्दी आप देखने वाले हो, बोलो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो, उपवास में लगे रहो, वो चीजें दिखाई देगा, वो क्योंकि परमेश्वर की बातें हाँ और उसके साथ आमीन है, जो बातें कही गई है वो पूरी होगी। एक दूसरे को देख के बोलो, जो बातें कही गई है वो पूरी होगी, हालेलुया। कहता है विश्वास के साथ आप लगे रहो, नहीं दिखाई दे रही आज तो कोई बात नहीं, मेरे पे आपके घुटना टिकना बंद नहीं हो, आपका उपवास प्रार्थना बंद नहीं हो, आपकी प्रार्थना बंद मत करो, पर शब्द कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है, शब्द कुछ सुपरनेचुरल होने जा रहा है, शब्द कुछ अलौकिक होने जा रहा है, आपकी प्रार्थना का रिवॉर्ड आएगा, आपकी आंसुओं का फल आएगा, आपकी मेहनत प्रतिफल को लाएगा, खुदा बहुत बड़ा बदला हटने के लाने वाला है, हालेलुया। आपकी प्रार्थना इतिहास को बनाने जा रही है, आपकी आंसू की प्रार्थना आपको अलौकिक करने जा रहा है, परमेश्वर की अद्भुत बातों को आप देखने जा रहे हो, बोलो बने रहो, लगे रहो, बोलो आपकी प्रार्थना बंद मत करो, हालेलुया। कहता है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, नहीं कुछ दिखता था, फिर भी उस बात के लिए बाइबल बताता है चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, आगे बचाव के लिए किस बात के लिए कहता है, अपने भक्ति के साथ, नीचे आप चेतावनी पाकर पढ़िए, चेतावनी पाकर, हाँ चेतावनी पाकर कहता, हाँ विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में, उन बातों के समथिंग कुछ बात थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, कुछ चीजें जो खुदा ने कह दिया था पर उनको नजर नहीं आ रहा था, हालेलुया, हालेलुया। मानो उसने, परमेश्वर ने क्या कहा था नूह से, जल पर ले आने वाली है, दिखाई दे रहा था, पर जो खुदा कहता है वो उसको पूरा करता है, दूसरे को देख के बोल, जो खुदा कहता है वो पूरा होगा। देखो इसको निकाल के पढ़ो जल्दी से, पढ़ो हिब्रू 11:5-6 को पढ़ो, 11:6 इसको निकाल के रखे, निकल, हाँ लास्ट लास्ट, हाँ पढ़िए, हाँ हाँ
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है। हालेलुया। यदि आप खुदा के पास आते हैं तो आपको विश्वास करना है कि जो बातें खुदा ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। बोले दूसरे से, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास के साथ प्रभु के पास आता हूँ कि जो बात वो कहता है और जो बात उसने कहा है वो मेरे जीवन में, वो मेरे बच्चों में, वो मेरे परिवार में पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा। हाँ, आगे क्या लिखता है, आगे क्या लिखता है? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु है, बोलो प्रभु है। एक दूसरे को हिला के बोलो प्रभु है। मतलब प्रभु है कहाँ? प्रभु आपके अंदर है, प्रभु आपके करीब है, प्रभु आपके घर में है, प्रभु आपके जीवन के हर सिचुएशनों में है। हालेलुया। वो ही जलाई का, वो मरा हुआ खुदा नहीं, वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो हर घड़ी आपके साथ है, वो आपके रात में आपके साथ है, वो दिन में आपके साथ है, वो सुबह आपके साथ है, वो शाम में आपके साथ है, जीवन की एक एक मिनट वो आपके साथ है। बोले प्रभु है, प्रभु है। हालेलुया। मालूम हो जब खुदा है तो वो नॉर्मली नहीं है, वो अलौकिक है और बड़े अद्भुत कामों को करने वाला खुदा है। कहता है प्रभु है। हमें ये सोच कर प्रभु मेरे साथ है, ये सोच कर कि नूह ने कहा प्रभु मेरे साथ है, भले मुझको अभी कुछ नहीं दिखाई देता है तो भी मैं बनाता रहूंगा, मैं लगा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आएगा समती कुछ बड़ा देखूंगा। आमेन, हालेलुया। मालूम, मालूम मैं तो थिंक कर रहा था कितने समय तक नूह बना रहा, अपने कामों में लगा रहा। बोला अपने कामों में लगा रहा। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला था उसको करने के लिए? जहाज बना। हालेलुया। आपको प्रभु ने क्या बोला है? प्रार्थना में लगा रहा। आपको प्रभु ने क्या बोला है? वचन में लगा रहा। आपको प्रभु ने क्या बोला है? मेरे वचनों का प्रचार में लगा रहा। हालेलुया। जो खुदा ने कहा है वो बात तो आप करते जाओ, तब जो परमेश्वर की जो योजना आपके लिए है वो आपके जीवन में प्रकट करेगा, वो बातों को आपको दिखाएगा। आमेन, हालेलुया। नूह लगा रहा। मैं आपको बताऊंगा, मतलब भाई बहुत बार हमने सोचा कितने समय, कितने साल जहाज बनाया? 100 साल। उसकी गणित में आपको बताऊंगा। उत्पत्ति हम निकालेंगे छठवें अध्याय में। थैंक यू फादर, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका छठवां अध्याय, उसका पांचवा अध्याय का उसका 32 वचन को पढ़ो और छठवां अध्याय का 9 वचन पढ़ो जल्दी से। कितने साल का हो गया नूह? कितने साल का हो गया नूह? 500 साल का हो गया। आगे आगे कहता है नूह जब 500 साल का हुआ तो क्या हुआ? 32 वचन, 5 का 32। हाँ, 3 बेटे का जन्म हुआ, वापस हम आए उसी का छठवां अध्याय 9 वचन। हाँ, नूह की वंशावली यह है। धर्मी पुरुष हाँ? अपने समय के लोगों में खड़ा था हाँ? और नूह परमेश्वर जी के साथ साथ चलता रहा हाँ? और नूह से शेम और हाम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। 7 अध्याय उसका 5-6 वचन को, 7-10 का और उसका 6 वचन को। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पार आया। इसका मतलब जब 500 साल का था 3 बच्चे पैदा हुए, राइट? हालेलुया। पर जब जल प्रलय आया तब वो 600 साल का था। इसका मतलब 100 ईयर वो तैयारी किया। किस बात की तैयारी? वापस हम वापस 11 अध्याय और इसका 7 वचन, हिब्रू 11 अध्याय 7 वचन। बातों के विषय में हाँ, तो उस समय दिखाई ना पड़ती, दिखाई नहीं पड़ती थी। जो बात कहा गया पौलुस से वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, पर फिर भी जहाज बनाने में लगा रहा। हालेलुया। प्रिपरेशन करता रहा, प्रिपरेशन करता रहा, तैयारी करता रहा। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलो तैयारी करते रहो।
बड़ी बातों की तैयारी करो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। और बड़ी बातों के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है, सुपरनेचुरल कामों के लिए अलौकिक बातों की तैयारी है। हालेलुया। अभी से आपकी मालूम, जब नूह बना रहा, जब नूह अपने कामों में लग गया, तो उसने पिक्चर पहले अपने माइंड में बना लिया, ये जहाज का जो है ना 3 मंजिला स्टोरी होगा, हर चीज को वो तैयार कर रहा है। और एक बात है, बड़ा जहाज बना रहा था, और बड़ा जहाज में बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। बड़े कामों में बड़ी बातों की तैयारी। यदि बड़ा काम देखना चाहते हो, आपको बड़ी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। छोटी मोटी प्रार्थना से काम नहीं चलने वाला, आपको घंटों बिताना होगा, आपको घंटों तैयारी करना होगा। मेरे दिनों परमेश्वर को कुछ 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 प्रभु के बड़े बड़े दास को मैं जब सुन रहा था, प्रभु के दास जो है वो बेंशन ईडा होसा, उनके एक छोटा सा एक शॉर्ट मैसेज है, आपको कीमत चुकानी है। मैंने हिसाब के मैं सुन रहा था, मेरे बच्चों को शेयर किया, कीमत आपको चुकानी है। हालेलुया। कैथरीन कोलमैन के आपका सुन रहा था, उसने लिखा है, आपको यू हैव टू पे द प्राइस। यदि आपको बड़ी बात देखना है, यू हैव टू पे द प्राइस। रात रात भर आपको घुटना तोड़ना पड़ेगा, आपको आंसुओं बहाना पड़ेगा। यदि आप चाहते कुछ बड़ी बातों को मैं देखूं, आपको तैयारी में लग जाना होगा। हालेलुया। बड़ी तैयारी अपने आप जब लग जाएंगे, भले वो टाइम आपको दिखाई नहीं देगा, भले वो टाइम आपके लिए निराशा भरा होगा, कोई बात नहीं, बने रहो, कोई बात नहीं करते रहो, कोई बात नहीं, लगे रहो जैसा कि नूह लगा रहा। और एक समय आया, कहता है बड़ी बहा जहाज बन के तैयार हुआ। किस बात की तैयारी कर रहा था? उसने चुनौती पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए वो जहाज बना रहा था। किसके लिए जहाज बना रहा था? अपने घराने के बचाव के लिए परिश्रम कर रहा था। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने आप के लिए परिश्रम करो, अपने बच्चों के लिए परिश्रम करो, अपने घराने के लिए परिश्रम करो, अपने शहर के लिए परिश्रम करो, अपने नगर के लिए परिश्रम करो, नाश में जाती आत्माओं के लिए परिश्रम करो। आपके अपने घुटने को तोड़ो, आप तो बच जाएंगे, आपका घराना बच जाएगा, आपके बच्चे बदवाई में नहीं जाएंगे। आप आने वाले 40 जनरेशनों के लिए आशीष बटोर रहे हो, आप उनके लिए तैयारियां कर रहे हो कि वो यीशु के नाम से जुड़ जाए, क्योंकि आपके बच्चे, आपके जनरेशन, आपकी मेहनत के कारण आपका 40 जनरेशन बचा लिया जाए। प्लीज तैयारियां शुरू कर दो, प्लीज रात रात भर खुदा के आगे अपने घुटने टेक कर अपनी आंसुओं से उसके पैरों को धो लो, जैसा नूह लगा रहा। मेरा एक भी बच्चा उस जल प्रलय में डूबने ना पाए, मेरी पत्नी उस जल प्रलय में कहता है मरने ना पाए, मेरे जानवर उस जल प्रलय में मरने ना पाए। मैं मेहनत करूंगा, मैं तैयारियां करूंगा, मैं प्रिपरेशन करूंगा। मुझे मालूम है मेरी तैयारियों के द्वारा मेरा परिवार बचा लिया जाएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा ये शहर बचाया जाएगा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके वंश बचाए जाएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चे बचाए जाएंगे, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके नगर बचाया जाएगा। जहां पर आप हो, आपके कारण वो नगर आशीषित है, जहां पर आप हो, आपके कारण वो फ्लैट आशीषित है। हालेलुया। तैयारियां शुरू कर दो। बड़ी बातों के लिए प्रभु आपको तैयार करा, एक अलौकिक बात आपके साथ होने जा रही है, सुपर नेचर खुद आपको प्रिपेयर करने जा रहा है। तैयारियां शुरू कर दो। हर एक रात में खुदा के आंसुओं से आप उसके चरने को धो, शांति कुछ बड़ा तैयारी आपके जीवन में होने पाए, ताकि खुदा आने वाले पलों में आपको अलौकिक रीति से खड़ा कर दे। हालेलुया। ये बातें तो होगी, प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी, आपका परिश्रम खाली नहीं जाएगी, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी मांगना व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक आंसू की बूंद की कदर है उसको, लोग भले कदर करें ना करें, परमेश्वर आपका कदर करता है।
सौ साल का मेहनत, सौ साल की तैयारियां खुदा क्या व्यर्थ जाने देता? नहीं, आज नूह हम सब के लिए आशीष का कारण है, ये दुनिया नूह के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया, नूह, नूह हर एक जाति जाति के लिए आशीष का कारण है। सौ साल की तैयारियां में दुनिया को बचा लिया। हेलो हेलो, ये नूह के कारण ने दुनिया बचाया गया, नहीं तो एक भी जन न होते धरती पर। आपके कारण ये शहर बचाया जाएगा, आपके कारण ये देश बचाया जाएगा। आप नमूना हो, आप वाया हो, आप खंबा हो। हालेलुया, यदि आप तैयारी करेंगे, ये शहर के लिए रोड में खड़ा हूँ, प्रभु आपको एक बड़ी बातों के लिए आपको तैयार करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? चुनौती पाकर, जब जहां कुछ दिखाई नहीं पड़ती थी, कुछ नहीं दिखाई पड़ती थी, फिर भी नूह लगा था। बात जब खुदा करे तो हमको ऐसा लगता है एक साल में, दो साल में, तीन साल में, चार साल में रिजल्ट आ जाना चाहिए। नहीं आता तो मायूसी घेर लेता है, पर यहां 100 ईयर्स बहुत बड़ा मायने को रखता है। पर अब मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें 100 ईयर तैयारी करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही पलों में हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि अभी हमारे पास खुदा का अनुग्रह है। आमेन, यीशु का अनुग्रह है, ओ उसका लहू है, ओ उसका नाम हमें मिला है, जो हर चीजों को छाप के साथ हमारे पास लेकर आता है। हालेलुया, मालूम बाइबल बताती है, पहला राजा की पुस्तक और उसका 17वें अध्याय और उसके जब 40 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, पहला राजा की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 18 अध्याय। तब आया आप खाने पीने चला गया और एलिया कार्मेल की चोटी के ऊपर चढ़ गया और भूमि के ऊपर गिर कर अपना मुंह घुटनों के ऊपर घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, हाँ, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। हाँ, तब उसने चढ़कर देखा, हाँ, और लौट कर कहा, हाँ, कुछ नहीं दिखता। हाँ, यहाँ भी देखो कहता है कुछ नहीं दिखता, पर एलिया को मालूम था समथिंग कुछ बड़ा होने वाला है। मैं खुदा के साथ बना हूँ, समथिंग कुछ अद्भुत होने वाला है। और तब तक वो खड़कता को बैठा रहा, तब तक वो घुटना टेकता रहा, तब तक वो गिर गिराता रहा, तब तक वो मांगता रहा, जब तक कुछ बड़ा ना देख ले। हालेलुया, जब तक कुछ समथिंग हैपन ना हो जाए, जब तक कुछ दिखाई ना दे, तब तक वो लगा रहा। हालेलुया, चर्च में अगर आपको इंकरेज करना चाहता, खुदा के साथ अपने आप को जोड़ लो, प्रार्थना में प्रभु के साथ जोड़ लो, घंटों प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु से कहो लॉर्ड समथिंग कुछ बड़ा मैं देखना चाहता, समथिंग कुछ यूनिक मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे यदि आपके अंदर जुच्छा है, आपके अंदर ठाड़स है, आपके अंदर तर्पण है, आपके अंदर भूख है, आपके अंदर प्यास है, आप कुछ अलौकिक देखना चाहते हैं, आप देखेंगे क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? 7 बार की उसकी तर्पण की प्रार्थना, उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर और देख। हालेलुया, एक बार हुआ नहीं दिखा, दूसरी बार किया नहीं दिखा, तीसरी बार किया नहीं दिखा, चौथी बार किया हम छोड़ देते, इतनी रात उखा जगा कुछ नहीं हुआ, इतनी रात इतने दिन उपवास कहा कुछ नहीं हुआ। पर मैं आपको बताना चाहता, आपका एक भी पास प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, आपका रात का जागना व्यर्थ नहीं है, आपका प्रभु के आगे आंसू बहाना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, वो आएगा ही आएगा, वो रिवॉर्ड आएगा, आप देखेंगे। मैं आपको मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं, ये चीज होगा, आप देखेंगे। हालेलुया,
यदि आप बने हुए हो, आप लगे हुए हो, समथिंग विल हैपन। वो जो होगा ना ब्रेक थ्रू के साथ होगा, वो जो होगा ना धमाका होगा, वो जो होगा ना ऐसा शुरुआत होगा कि जैसे कि जब ब्लास्ट होता है ना दूर दूर तक उसका असर छोड़ देता है, वैसे जब धमाका होगा ना आप में उसका असर दूर दूर तक फैल जाएगा, उसका प्रभाव दूर दूर तक फैल जाएगा। पर तब तक तैयारी करो, तब तक लगे रहो, तब तक बने रहो जब तक कि दिखाई ना दे। आमेन। जब तक कि दिखाई ना दे। एक विराट में प्रेम मेरी वाइफ शेयर करी थी अंकुर नरेला साहब की, बोले चाहे आंसू हो प्रार्थना बंद मत करो, चाहे निराशा हो प्रार्थना बंद न करो, चेतावनी हो तो प्रार्थना बंद न करो, यदि आपकी बीमारी आपको साथ नहीं दे, शरीर को साथ नहीं दे तो भी प्रार्थना बंद मत करो। आपका रूटीन जो वचन वाचन है, प्रार्थना है, वो कभी उसमें ब्रेक ना आए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके अंदर खुद ब्रेक थ्रू आ जाएगा, आपकी बीमारी छोड़कर भाग जाएगी, समस्या छोड़कर भाग जाएगी, तकलीफें छोड़कर भाग जाएगी, क्योंकि खुदा की सामर्थ्य पर उतरेगा और इस सामर्थ्य के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने रूटीन बातों में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, परिश्रम करते रहो, जैसा नूह ने लगातार बनाता रहा, हमें प्रार्थना की वेदी बांधने में लगा रहना है। एक बड़ा पहाड़ के रूप में प्रार्थना का कहता है वेदी अपने घर में बांध दो। आमेन। कि जहां पर उस पहाड़ के ऊपर उस वेदी पर खुदा स्वर्ग से उतर के आए, और जिस दिन ऐसा होगा वह धमाका शुरू होगा। हालेलुया। 50 दिन की ये धमाका थी, 50 दिन की तैयारियां था। कहता है खुदा का वर्ड कहता है 120 लोग लगातार लगे रहे, कंटिन्यूटी में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे, उनका बुखार ना चलता रहा और उनका जय जयकार चलता रहा, प्रभु के साथ वो लीन रहे, प्रभु में बने रहे। एक दिन आया और स्वर्ग से धमाका हुआ। हालेलुया। वो जहां पर वो थे वो जगह हिल गया। जो खुदा उनके साथ कर सकता है तो वो आपके साथ भी कर सकता है। उनकी तैयारियां उनके लिए ऐतिहासिक कामों को लेकर के आया, आपकी तैयारियां भी अलौकिक कामों को लेकर आएगा। आमेन। हमारा प्रॉब्लम है, हम कई बार हम शुरू तो करते हैं पर वापस हम छोड़ देते हैं, हम बंद कर देते हैं। हालेलुया। जब कुछ होने ही पर है हम स्टॉप करते हैं। हमारा जीवन ऐसा ना हो। अगर जी नूह, यदि वो नूह बंद कर देता, यदि नूह तैयारियां में नहीं जुड़ता, यदि नूह छोड़ देता तो मैं भी नाश होते, वो भी नाश होता, दुनिया खत्म हो जाती। हालेलुया। जो काम खुदा ने आपको करने दिया है उसे बंद मत करें। दूसरे को हिलाकर बोलो, जो काम खुदा ने आपको करने बोला है उसको बंद मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? हालेलुया। 7 बार का प्रिपरेशन, 7 बार का मेहनत, 7 बार की प्रार्थना, कहता है 7वीं बार अलौकिक चीज हुआ। एलिया का सेवक कहता है स्वामी स्वामी समथिंग, कुछ हाथ जैसा समुद्र से उठता हुआ मुझको दिखाई दे रहा है। आमेन। यू विल सी। आप देखें, बोले तो आई दूसरे को देखे, बोलो आप देखेंगे, आप देखेंगे। बात कहती है खुदा है और वो अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। बोलो प्रभु है, बोलो प्रभु है। हालेलुया। वो आपके अंदर है, वो आपके पास है, वो आपके घर में है, वो आपके जीवन में है, आपके जीवन के हर सिचुएशनों में वो आपके साथ है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पर आप अपने आपे में नहीं हो, आप अपने कामों में नहीं हो, आप अपनी प्रार्थनाओं में लगे नहीं हो, खुदा तो है आप नहीं हो। हालेलुया। पर जो है वो बना है, तैयार है, खुदा उसके जीवन में अलौकिक काम करेगा। आमेन। क्या लिखता है, आकर देखा और कहता है वो छोटा सा बादल पूरी यहूदा इसराइल को कहता है पानी से भिगो दिया।
मूसलाधार बारिश आ। मैंने कहा ना कि बड़ी तैयारियों के द्वारा जो देरी से हो रही है वो इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि आप जो तैयारी लंबे समय से कर रहे ना पूरा भर गया है। हालेलुया। और बड़ी प्रिपरेशन के साथ शुद्ध समय सब कुछ खुदा एक साथ उंडेलने पर है। आमेन। हालेलुया। देर हो रही इसका मतलब धमाका की तैयारी है। हालेलुया। देर हो रही इसका मतलब अलौकिक चीजें होने वाली है। देर है इसका मतलब शक्ति कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। 100 साल मालूम, 100 साल, 100 साल का प्रिपरेशन, 100 साल की तैयारियां, 100 साल का मेहनत था उसका, छोटा मोटा काम नहीं था। वो तो बचा, छोरी दुनिया को बचाया। आज जो भी दिखते हैं विकास ऑफ नूह, हालेलुया, उसकी मेहनत, उसके परिश्रम, जहाज का बनाना मैं और आप बचाए गए। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक दूसरे बच्चे, आइए एक दो चुन को देखिए, कोई मेरे साथ निकल। पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अच्छा, उसके पहले निकालेंगे हिब्रू 11 अध्याय 1 से 3 वचन को पढ़े। हिब्रू 11 अध्याय 1 से 3 वचन को पढ़े। हिब्रू 11 अध्याय 1 से 3 वचन को पढ़े। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सतोरी अंदर अबरा बरा 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 कदा विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। प्रार्थना करके बार बार माइंड के अंदर ये बातें घुसा लो कि मैं भले प्रत्यक्ष नहीं देख रहा पर मेरे अंदरूनी आंखों से मैं देख रहा हूँ। नूह जब जो दो दो काम कर रहा था तब मालूम देखता होगा मेरा जहाज इतना बड़ा है, इतना मगज में कहता है मन में वो सब चीजों को पहले से देख लिया था। हालेलुया। जो बात आज आप देख रहे अपने मन की आंखों से, अंदरूनी बड़े लोगों को आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखा रहा पर जब आप अपने मन में विश्वास के साथ देख रहे एक दिन वो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आमेन। हालेलुया। तो मेहनत करते रहो, प्रार्थना करते रहो, देखते रहो। मैं ये देखता हूँ ये होगा, मैं ये देखता हूँ ये होगा, मैं इस स्टेज पर हूँ मैं देखता हूँ, मैं इस स्टेज पर खड़ा हूँ मैं देखता हूँ। हालेलुया। वो कहता है अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, भले उसको दिखाई नहीं दे रहा था प्रत्यक्ष आंखों से परंतु अंदरूनी स्पिरिचुअली आंखों से वो बड़े जहाज को देख रहा था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखता है, आगे लिखता है, आगे लिखता है दो वचन, क्योंकि इसी विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। क्या लिखता है? सारे सृष्टि की रचना कैसे हुई? अच्छा अच्छा मालूम, घुटना टेको, आंसू बहाओ और डिक्लेरेशन करो, मैं यीशु के नाम से देखूंगा, यीशु के नाम से बातें होगा, यीशु के नाम से चीजें मेरे पास आ रही है, क्योंकि जो कुछ भी बना है ना वो देखने में आता उससे नहीं पर अनदेखी चीजों से बना हुआ है। वचन का डिक्लेरेशन, यीशु परमेश्वर आया और वचन की घोषणा करने लगा, यीशु आया और कहा ये हो जाए और हो गया, यीशु आया और कहा ये बातें हो और हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और वो चीजें होने लगी। मुझे मालूम नहीं मेरे प्यार का वचन आप कैसे ले रहे, पर समथिंग मैंने इस वचन से बहुत कुछ सीखा है, अंग्रेज हुआ मैंने। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखता है? ऐसा नहीं कि सब जो जो कुछ आप चीजें देखते हो वो देखे ही वस्तुओं से बना है, पर ऐसा लिखा है कोई भी चीजों से परमेश्वर ने देख के नहीं बनाया, सब कुछ अनदेखी चीजें हो गया। आमेन। लिए हमारे लिए चाबी है, की है कि जो खुदा ये कर सकता है तो प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया कि हम भी बातों को करें। जो अभी मुझे नहीं दिखाई थी मैं घोषणा करता वो क्रिएटर का मेरे पास आएगा, वो चीजों को मैं अपनी आंखों से देखूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। तबेलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, टाइम है मेरे पे सबके, मैं आपको इंकरेज करना चाहती, समय है प्रभु के निकट आने का। हालेलुया। वचन के निकट आओ, प्रभु के निकट आओ, प्रभु के करीब आओ। यदि सुपरनेचर कुछ बातों को देखना चाहते हो प्रभु के निकट आओ, किसी को देखो प्रभु के निकट आओ, प्रभु के निकट आओ। हालेलुया।
हालेलुया, हम दूर दूर भागते चले जा रहे। यदि कुछ अद्भुत मेरे पे, ये साल में कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ धमाका देखने चाहते हो, प्रभु के निकट रहो। हालेलुया, उपवास प्रार्थना में प्रभु के निकट बने रहो। एलिया ने कहा कुछ समथिंग, कुछ बड़ा देखना चाहता है, मेरे निकट आ। यदि आप कुछ समथिंग बड़ा देखना चाहते हो, आपको प्रभु के निकट आने की जरूरत है। हालेलुया, बोले प्रभु के निकट आओ, बोले हिला कर बोले प्रभु के निकट आओ। हालेलुया, मलाकी के पुस्तक में लिखा हुआ उसका, और उसका तीसरा अध्याय का 6-7 वचन में कहता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। जकरिया की पुस्तक 1:3 वचन में लिखा है, यदि तू मेरे निकट आएगा तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा। याकूब की पुस्तक में लिखा है, यदि तू मेरे निकट आएगा तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा। हालेलुया, कहता है नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो भोर के तड़के उठ के मुझे खोजते हैं वो मुझे पा लेते हैं। हालेलुया, भले धन नहीं पाया तो कोई बात नहीं, सोना नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि खुदा को पा लिया तो आप धनवान हो। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कोई भी मिले या ना मिले, कोई भी चीज आपके पास आए ना, यदि आपने खुदा को पा लिया, आपने दुनिया का हर चीज पा लिया। जो सुबह भोर को तड़के उठ के मुझको खोजते हैं वो मुझको पा लेते हैं। हालेलुया, बोलो यहोवा को पाले, बोलो यहोवा को पाने के लिए परिश्रम कर, बोलो तैयारी कर, बोलो तैयारी कर। हालेलुया, बोलो बोलो बोलो, एक बड़ी बात होने वाली है तेरे जीवन में, अलौकिक बात होने वाली है। अरे तैयारी शुरू कर, आज से तैयारी शुरू कर, तैयारी शुरू कर, तैयारी शुरू कर। हालेलुया, आई डोंट नो मिनट पे समथिंग, कुछ तो होगा। हालेलुया, हालेलुया, मुझको नहीं मालूम किसके जीवन में खुदा क्या करने जा रहा है, पर जो खुदा के साथ तैयारियां में लग जाएगा, ये साल कुछ बड़ा धमाका देखने पाएगा, ये साल कुछ अलौकिक होने वाला है, ये साल कुछ सुपरनेचुरल होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आपकी आपकी तैयारी रन लाएगी, बोल आपकी तैयारी इतिहास बनाएगा। मालूम लूह का जहाज इतिहास बना दिया। हालेलुया, उसकी तैयारियां एक ऐतिहासिक काम को कर गया। आपकी तैयारियां, ओ मेरे पे प्रार्थना की तैयारी, वचन में तैयारियां, खुदा के निकट आने की तैयारी, एक बड़ा लौकिक बात है आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। हालेलुया, जो जो ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया, ओ कहता है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ। और आज चर्च को मैं इंकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु के निकट आओ, दुनिया की बातों से हटो, प्रभु के निकट आओ। मालूम निकट क्यों बुलाया एलिया ने, निकट क्यों बुलाया एलिया ने, निकट क्यों बुलाया, क्योंकि समती कुछ बड़ा ऊपर से आने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया, और उसके लिए कहता है आओ हम निकट आके तैयारी करें। किस बात की तैयारी? समथिंग अलौकिक ऊपर से आ रही है, समथिंग सुपर नेचुरल होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ चर्च आओ हम उपवास प्रार्थना में लग जाए, क्योंकि वो आग आने वाली है, वो तूफान आने वाली है, वो परमेश्वर की महिमा का बादल उतरने पर है। हालेलुया, हालेलुया, कहता है मेरे निकट आओ। हालेलुया, कहता है एलिया ने कहा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए, तब 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 उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की तैयारी में लग गया। एलिया तैयारी में लग गया, बोलो तैयारी में लग गया, बोलो तैयारी में लग गया। हालेलुया, मान तैयारी किस बात की थी, मालूम किस बात की, सारा जो जो प्रिपरेशन था ये किस बात के लिए था, परमेश्वर की आग उतर के आए। हालेलुया, आपको तैयारी किस बात की करनी थी? क्या बात है। हालेलुया, दो मिनट क्लब विस्तार में खड़े हो जाओ, प्रभु के आगे इस बात की घोषणा करें, आज की रात से मैं तैयारी करूंगी, आज के ही दिन से मैं तैयारी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैं इस वेदी की तैयारी करूंगा, इस वेदी पर आग जरूर आएगा। वो नूह ने तैयारी किया, जल भर ले आया और अपने परिवार को बचा लिया। एलिया ने तैयारी किया और स्वर्ग से आग आया। आज से मैं तैयारी करूंगा, बोले प्रभु से,
आज से मैं तैयारी करूंगा मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी चर्च के लिए, मेरे नगर के लिए, मेरी शहर के लिए मैं तैयारी करूंगा। बोले 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 प्रार्थना करे, प्रभु से कहे लाहम आज से मैं तैयारी करूंगा, आज से मैं प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आग आएगी, आग आएगी, आग आएगी, यहोवा का आग आएगा, यहोवा का आग आएगा। ओ रबा रबा रिखा थोला वादा लामो रबा रबा, प्रिपेयर योर सेल्फ, वो खुदा की आग आएगी, वो खुदा की आग आएगी, वो खुदा की आग आएगी। प्रिपेयर प्रिपेयर, तैयारी करे, तैयारी करे, हालेलुया, वो आग आएगा, वो आग आएगा। अलौकिक बातें होगी, सुपरनेचुरल बातें होगा, ओ हालेलुया, परमेश्वर आपको तैयार करा, सुपरनेचुरल बातें होगी, वो आग आएगी, वो आग आएगी। प्रिपेयर प्रिपेयर, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, उस आग के लिए तैयार हो जाओ, उस आग के लिए तैयार हो जाओ। खुदा कुछ सुपरनेचुरल करने जा रहा है, प्रभु कुछ अलौकिक करने जा रहा है, हालेलुया। प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर, I don't know, पर समथिंग खुदा पड़ा करने जा रहा है, वो आग आ रही है, वो आग आ रही है। Prepare yourself, ओ निकट आ जाओ, निकट आ जाओ, निकट आ जाओ, ओ हालेलुया, बहुत ही जल्दी वो आंधी आ रही है, आंधी आ रही है, बस बस कुछ ही पल है, कुछ ही पल है, वो आंधी आ रही है, वो आग आ रहा है, वो आग आ रहा है, वो आग आ रहा है, बस 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 कुछ पल है, कुछ पल है, कुछ पल की तैयारी, कुछ पल की तैयारी, वो आग आ रही है, वो आग आ रही है, वो तूफान आ रहा है, वो यहोवा की आंधी आ रही है, वो जीजस, वो जीजस, वो जीजस, वो जीजस, वो आग आ रही है, वो आग आ रही है, वो आग आ रही है। सब कुछ जलाएगा, सब कुछ जल जाएगा, सारी औरतें जल जाएगी, सारी बाधाएं जल जाएगी, सारी नकारात्मक बातें जल जाएगी। प्रिपेयर योरसेल्फ, तैयार हो जा, तैयार हो जा, प्रभु की आग के लिए तैयार हो जा, कुछ बड़ी सुपर ऐसी बातों के लिए तैयार हो जा। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ, ओ राबा राबा रेखा थुना मंदा यादा लाबो राबा, समथिंग 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 कुछ अद्भुत होने वाला है। ओ राबा राबो राखा थुना मंदा यादा लाबो राबा राबा, वो आग आ रही है, वो आग आ रही है, वो आग आ रही है। ओ रिखांदा लाबा लाबा, जिस बात की तैयारी आपका है वो आप देखेंगे, जिस बात का प्रिपरेशन आपका है वो आप देखेंगे, जिस बात का तैयारी आप कर रहे हो आप देखेंगे, आप देखोगे, आप देखोगे, वो बातें होगा, वो बातें होगा, वो बातें होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, मांगे मांगे मांगे, प्रभु से निर्णय ले, प्रभु के आगे निर्णय ले, आज से पिता मैं आज से तैयारी करूंगा, ओ अलौकिक बातों को देखने के लिए, तेरी आग से भर जाने के लिए, तेरी आग से भर जाने के लिए, तेरी आग से भर जाने के लिए। लेकिन तूने कह दिया है, यीशु ने कह दिया है, यीशु ने कह दिया है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, और तुझको वो पवित्र आत्मा और आग से तेरा बपतिस्मा करूंगा, मैं आऊंगा और मैं तेरा पवित्र आत्मा और आग से तेरा बपतिस्मा करूंगा, मैं आऊंगा और मेरी आग को मैं उडेलूंगा। हालेलुया, शादोनी मारे का तूना मंदा यादा लबो रबा, ओ तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, ओ हालेलुया लॉर्ड, ओ बहने दे उस हवा को छूने दे हर एक दिल को तेरा दर्शन, ओ जीसस, बहने दे उस हवा को छूने दे हर एक दम को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग
फिर से तुम्हारे से फिर से Yes, Lord, Amen, Amen. Yes, पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, हर एक के अंदर तेरी तड़पन डाल दे, हर एक के अंदर तेरी भूख डाल दे, हर एक के अंदर तेरी प्यास डाल दे, तेरी तड़पन डाल दे, तेरी तड़पन डाल दे, तेरा भूख डाल दे मेरे अब्बा खुदा, एक एक को ओ लॉर्ड जीसस, तेरी तड़पन डाल दे, तेरी भूख डाल दे, तेरी तड़पन डाल दे लॉर्ड, तेरी तड़पन डाल दे, तेरी भूख डाल दे अब्बा खुदा, अब्बा परमेश्वर, ओ पिता तेरी तड़पन डाल दे, तेरी भूख डाल दे, तेरी तड़पन डाल दे जीसस, ओ जीसस, ओ रबा सदा लबो रबा लबो रबा रबा सदा लबो रबा सदा सदा लबो, तेरी तड़पन डाल दे, तेरी तड़पन डाल दे ना, तेरी तड़पन डाल दे ना, तेरी तड़पन डाल दे, तेरी तड़पन डाल दे, ओ खुदा तेरी भूख डाल दे, तेरी प्यास डाल दे, हालेलुया, ओ रबा बाबा राखा तारा मंदा जादा लबो रबा रबा लॉर्ड, तेरी तड़पन डाल दे, तेरी तड़पन डाल दे, रात रात भर जब तक अलौकिकता देख लो, जब तक तू सुपरनेचुरल में देख लो, जब तक कुछ बड़ा धमाका होते हुए ना देख लो, रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन वो लॉर्ड तेरे बच्चे में लगे रहते, रात्रों में खड़े रहने के लिए वो बड़ी तैयारी हो, बड़ी तैयारी कर दे, बड़ी बात की तैयार कर, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, कुछ अलौकिक हो जाए, कुछ सुपरनेचुरल हो जाए, यीशु के नाम में वो राक्षस हो रे खे खे रबा रबा रबा, कुछ अद्भुत हो जाए, कुछ धमाकेदार हो जाए लॉर्ड, अब तक तो नहीं हुआ वो होगा, अब तक तो नहीं हुआ होगा, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, ओ लॉर्ड, कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ अद्भुत, कुछ बड़ी बातों में फिर तैयार कर जीसस, ओ जीसस, रबा 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 रे खातो रबा रबा लॉर्ड, कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत हो जाने दे लॉर्ड जीसस, प्रिपेयर कर, तैयार कर, बड़ी बातों के, बड़ी बातों, बड़ी बातों, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 ओ लॉर्ड, एक बड़ा ब्रेकथ्रू, एक बड़ा ब्रेकथ्रू मांगता है यीशु के नाम से, आत्मिक बड़ा ब्रेकथ्रू लॉर्ड, भर दे तेरी आत्मा से, भर दे तेरे सामर्थ्य से, भर दे तेरे वरदानों से, ये तेरे निकट और तेरे निकट, ये तुझ में डूब जाने पा प्रभु जी, तुझ में खो जाने दे, ओ हालेलुया, ओ रबा रेखा थोड़ा बंद याद रबा, कुछ अलौकिक बात है, अद्भुत बात है, यूनिक बात है, वो जाने दे, वो अब तक जो नहीं हुआ वो हो जाए, वो लाजवाब को नहीं देखा वो हो, तो काल नहीं हुआ वो हो, यीशु के नाम में कुछ अद्भुत हो जाए, कुछ यूनिक हो जाए, लॉर्ड लॉर्ड तैयार कर, प्रिपेयर कर, अपने महिमा के लिए खड़ा कर, तेरे राज के लिए खड़ा कर, देशों के लिए खड़ा कर, नेशन के लिए खड़ा कर, ओ हालेलुया, कुछ अलौकिक हो जाए, कुछ सुपरनेचुरल हो जाए, माय बाबा, ये साल कुछ धमाका हो जाए, ये कुछ बड़ा अद्भुत हो जाए, ये साल कुछ अलौकिक हो जाए, लॉर्ड प्रिपेयर कर, प्रिपेयर कर, हर बात में खड़ा कर, हर बात में राइज अप कर, 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 तैयार उठे तेरी सामर्थ को एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से हालेलुया ना, वो जो बातें के लिए वो पिता तेरी बेटी मांगती है वो पूरी हो जाए, ये साल कुछ अद्भुत होगा, ये साल कुछ यूनिक होगा, ये साल कुछ बड़ा होगा, सारे बंधन टूट जाए, हर एक रुकावट दूर हो जाए, हर एक औरों से चला जाए, ओ रबा 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 झूले 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 पिता, तेरी बेटी को झूले, तेरी बेटी को झूले, तेरी बेटी को झूले पिता, कुछ अद्भुत हो जाए, कुछ अलौकिक हो जाए, आज की रात से प्यासी बात हो,
अलौकिक बातों सुपरनेचुरल बातों ला टेडीला तैयारी, एक बड़ी बात की तैयारी, एक बड़ी धमाके की तैयारी, एक प्यास बात की तैयारी हो जाए, यहाँ से शुरू हो जाए, बिगिन बिगिन हो जाए, बिगिन हो जाए। ओ रामा 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 सदुरिया दल खन्ना रामा ओ तेरे बाप पिता की बाप थैंक यू जीसस लॉर्ड ओ जीसस लॉर्ड हर एक चंगाई या हर एक सीन एंड साइंस एंड वंडर्स वो आपके लिए बनाया गया है, वो आपके लिए बनाया गया है, बोलो मेरे लिए बनाया गया है। हालेलुया, बस आपको तैयारी की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 9 वचन में, कहता है जो आंखों ने नहीं देखा वो तेरे लिए है, जो कानों ने नहीं सुना वो तेरे लिए है, जो अब तक किसी के मगज में ना आया वो तेरे लिए है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है वो तेरे लिए है। आमेन, क्या हुआ, एक पॉइंट पढ़ के बंद कर दूंगा, हमारे पास बस 5 मिनट बचाओ के एक पॉइंट बन के वापस पहला राजा 18 अध्याय को हम देख रहे थे। फादर और जीसस हालेलुया सिथिरी अंदैया दल पहला राजा 18 अध्याय ओके आप पढ़ते जाइए 30 वचन से आगे। मेरे निकट आओ, सब लोग उसके निकट आए। हाँ, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, हाँ हाँ तैयारियां किया। मालूम उसके माइंड में क्या था, क्या था उसके माइंड में, स्वर्ग से आग। जो भी मैं तैयारी कर रहा एक ही बात की फोकस था, आग आएगी। मैं आपको आज कहता आज के रात ऐसा बैठो, आग आएगी। हालेलुया, बोलो आग आएगी। ऐसी तैयारी ऐसी प्रिपरेशन आज से शुरू कर दो, समथिंग कुछ होने वाला है। आमेन, हालेलुया। क्या क्या लिखता है, निकट आओ और सब लोग उसके निकट आए, तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की फिर ओके फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था। हालेलुया, मन हर एक चीज जो कर रहा है ना वचन को पाके कर रहा है, क्योंकि आगे नीचे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो जो भी कर रहा है ना वचन पाके कर रहा है। बोलो वचन पाके करो। आज आपने क्या पाया, क्या पाया, वचन पाके शुरुआत करो। एलिया ने वचन पाके क्या किया, शुरुआत की। बोलो शुरुआत करी, एक दूसरे को देख कर बोलो शुरुआत करो, आज से शुरुआत करो, हिला के बोलो आज से शुरुआत करो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि वचन आया था, जिसके पास यहोवा का वचन आया था, क्या था कि याकूब के 12 गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर ले ले और उस लेकर उसकी वेदी बना। आगे फिर तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। आगे पढ़ते जाए, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी उस पर लकड़ी पर उंडेल दो। ओके, तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो, तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो, तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। जब और जल वेदी के चारों ओर बह गया, बोलो बह गया, बोलो बह गया। पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। सबसे पहले इस वेदी पर देह में क्या भर जाएगा और पवित्र आत्मा क्या लेकर आएगा, आग लाएगा। हालेलुया,
पानी से वो वेदी भर गए। बोलो मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा और पवित्र आत्मा मेरे अंदर उस आग को लेकर, ऐसा लिखा है वचन में मत्ती तीसरे अध्याय में, कहता है यूहन्ना कह रहा है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ पर मेरे बाद जो आएगा पहले पवित्र आत्मा। और तो पहले पानी क्यों भरी गई? ताकि पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वो पानी से वो वेदी भर गया, पहले आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और उसके बाद वो आग उतरेगी। हालेलुया, जब आप तैयारी करते रहेंगे वो आग तो आने वाली है। आमीन। क्या लिखता है? और जल से वेदी चारों ओर बह गया और गड्ढे का भी उसने जल को भर दिया। फिर कहता है फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा हे इब्राहिम इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। सब बोलो मैं तेरा दास हूँ। कितने लोग मानते मैं उसकी दास और दासी हूँ? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। यदि आप कहते हो कि मैं उसका दास हूँ, मैं उसका बाप बेटा और बेटी हूँ, तो इस बात की आज घोषणा करो। हालेलुया, आज से मैं तैयारी करूंगी प्रभु, आज से मैं तैयारी करूंगा प्रभु और मैं तेरा दास हूँ। तो आने वाला ये महीना कि आवता महीना मार्च महीने में कुछ बड़ा अद्भुत को मैं देखूं, तेरी आग को मैं देखना चाहता हूँ, मैं अलौकिक बातों को देखना चाहता हूँ। ये बात मुझे दिखा, ये बात मुझे प्रकट कर। हालेलुया, यदि मैं दास हो तो ये महीना या फिर मार्च के महीने तक लाड कुछ बड़ा अद्भुत मेरे जीवन में होने दे। मेरी यादें तेरे उस आग से मेरे जीवन को भर दे प्रभु। मैं सुपर नेचुरल बातों को देखना चाहता हूँ। यदि मैं तेरा दास हूँ तो मुझको प्यार करता है, तो मुझे दिखा इस बात को प्रकट कर। प्रे 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 प्रे। हालेलुया। और एलिया ने कहा यदि मैं तेरा दास हूँ तो मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है, यहोवा मेरी सुन मेरी सुन। और इस वेदी पर आग उठे, इस वेदी पर आग उठे। जब एलिया ने कहा स्वर्ग से आग आया और वेदी जल गया। आप कहेंगे, आप बोलेंगे लॉर्ड मेरी देह को मैं तुझे देता हूँ, मेरे जीवन तुझे देता हूँ, आई सरेंडर माय लाइफ टू यू। इस वेदी पर आग उठे, इस वेदी पर आग उठे। आई अपने हाथ उठे, हर एक लोग अपने हाथ उठे, हाथ उठाए और प्रभु से एक हाथ छाती पे रखे, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाए और मेरे पास बोले, मेरे साथ बोले हे यहोवा, हे यहोवा मैं तेरे निकट आता हूँ, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मैं अपने जीवन को आज से अभी से तुझे देता हूँ, अलौकिक बातों के लिए, सुपर नेचुरल बातों के लिए। हे यहोवा यदि मैं तेरा दास हूँ और यदि तुम मुझसे प्यार करता है तो आज अभी से मुझे तैयार कर कि तेरी आग से मैं भर जाऊं, तेरी आत्मा की आग को मुझ पर उंडेल और तेरी आत्मा की आग में मुझको जला दे ताकि मैं अलौकिक बातों को देखूं, सुपर नेचुरल बातों को देखूं और मेरे जीवन के द्वारा इस शहर में इस देश में तेरी अद्भुत महिमा प्रकट हो, तेरी अद्भुत महिमा प्रकट हो। हे यहोवा, हे यहोवा इस बात को प्रकट कर, इस बात को दिखा दे। मैं देखना चाहता हूँ तेरे अलौकिक बातों को देखना चाहता हूँ, तेरे सुपर नेचर बातों को देखना चाहता हूँ। ले मुझे ले मुझे तैयार कर तेरे इस दास पर, तेरे इस मंदिर में स्वर्ग से तेरी आग उड़े, स्वर्ग से तेरी आग उड़े, मुझे जला दे। ओ लॉर्ड तेरा धन्यवाद, तूने मुझे भर दिया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। जो ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया।
ओ जीसस तेरी स्तुति करते हालेलुया लॉर्ड, ओ तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी हालेलुया लॉर्ड, तेरे वर्ड के लिए प्रभु जी हालेलुया। जितने लोग फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से सुनकर खराब कुछ सुने, खुदा आपको बहुत आशीर्वाद। आज से तैयारी शुरू कर दो, आज से अपनी प्रार्थना बिगिन कर दो, आज से मेरे प्रियो उपवास के साथ प्रभु के सानिध्य में बैठे। जब तक कुछ अलौकिक न देख लो, जब तक कुछ सुपरनेचुरल न देख लो, आप बने रहो, आप लगे रहो। आग तो जरूर आएगी, खुदा की सामर्थ्य पर आएगी और आप प्रभु की आत्मा से भर कर इस्तेमाल होने पाएंगे। प्रभु आप वासीद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सेम थिंग मेरे प्रियो, आई डोंट नो पर मैं फील कर रहा हूँ, कुछ लोगों को प्रभु आज से ही खड़ा कर रहा है, कुछ लोगों को आज से ही सुपर नेचुरल बातों के लिए, अलौकिक बातों के लिए अब तैयारी हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर की आग आप पर आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि खुदा अद्भुत रीति से आपको बदल रहा है, आप अलौकिक।